रिंकू शर्मा हत्याकांड पर जारी है सियासत, राठौर चड्ढा पर हारून यूसुफ का पलटवार, बीजेपी आरएसएस वाली है आम आदमी पार्टी की सोच। ये वही सोच है जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ की सोच है, वही सोच इस आम आदमी पार्टी की है। रिंकू शर्मा हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा के बयान पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने राघव चड्ढा के बयान पर पलटवार किया है। हारून यूसुफ ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा को बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा करार दिया है। ये वही सोच है जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ की सोच है, वही सोच इस आम आदमी पार्टी की है। एक दूसरे पे ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये अरविंद केजरीवाल पहली बार नहीं कर रहे, ये हमेशा करते हैं। अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने दिया था। क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं है क्या? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? अब उनकी हत्या करी जाएगी। दिल्ली में हिंदुत्व की सियासत करने की होड़ मची है। अब तक जहां इस पर बीजेपी का एकाधिकार समझा जाता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री ने मुकाबला और कड़ा कर दिया है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।